सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। सो आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। सो अभी का स्टेट ये है कि देखो, ललित अपना लोवर सुखा रहा है, बिल्कुल उसके क्या कहते हैं, लोवर गीला हो गया है, तो हेड लाइट से लोवर को साफ कर रहे हैं। फिर कोचिंग आना है था। और मम्मी को लगवाना है आरती, क्योंकि मम्मी कर रही इंजॉय। आरती लगाते हैं गाइस। अभी नहा धोके एकदम रेडी हो गया हूँ कम्प्लीट। तो आज सुबह से लिटरली चाय भी नहीं पी है, क्योंकि सुबह जो दूध लेके आया था वो एक कप चाय बनाई थी मम्मी ने, रख दिया दूध और बिल्ली पी गई। अब पूछते हैं मम्मी से चाय बनेगी दोबारा कि नहीं बनेगी। तो मम्मी फिर बिल्ली ने पूरा दूध झूठा कर दिया, वो रख दिया बिल्ली के लिए पी लेगी। तो अभी मम्मी बना रही सब्जी। जी क्या बना रही मम्मी? भटूरे। आज भटूरे और छोले, छोले आलू है ना, और चाय नहीं बनेगी मतलब? चाय अब दूध ही नहीं मिला। तो गया था चाय से मिलने से, बस छोले भटूरे लो खाने को मिल जाएंगे, है ना। तो ललित अभी गया हुआ है अपने पेपर देने के लिए एग्जाम, वैसे ही गया है, पढ़ना पड़ता पढ़ता मारता कुछ है नहीं है, फालतू में नहीं है। तो वैसे देखो, अभी मैं हैंड राइटिंग लिखने की ट्राई कर रहा था, थोड़ा प्रैक्टिस, आई होप सही आ रही होगी। वैसे लिख रहा हूँ बस टाइम पास के लिए। और इस विश्वास मानना है, बुक काफ़ी पुरानी है। अब कितनी पुरानी है मैं बता नहीं सकता, बहुत पुरानी है, मगर 1980s की है। मेरे को मिलो ये कल, अब बैच पूछते का, तो वैसे लिख रहा हूँ उस पर ऐसी राइटिंग में से बताना। तो बस ये आ गया खाना, और अजय जा रहा है खाना अंकिरा के लिए। ये नमकीन है? हाँ मेरे नमकीन मैं खा लूँगा, मैं ये पान बच्चों तो है नहीं, कहे पूरे तो खा मारो। सो अभी ललित आ रहा है, तो उसको अंकिरा के लिए खाना भी आना है बेसिकली। तो मम्मी टिफिन बना रही है, तो वो ले जाती है ऐसे क्या गर्म गर्म। अभी मम्मी ने बना दी कम्प्लीट, तब यहाँ से ले जाएगी। तो ये अंकिरा के रहे छोले भटूरे, ये अंकिरा छोले टिफिन, हाँ खा ली। तो अभी अपन भी खा लेते हैं, क्योंकि अपने भी टाइम हो गया। और ठीक है, क्योंकि अभी अपना भी टाइम हो गया। बाहर देखो ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, 12:15, 1 बजे निकलते हैं अपना टाइम 1 बजे का। अभी रेडी मेडी हो जाते हैं, और कल का जो ब्लॉग है वो अपलोड करना रहेगा, तो उसको अभी अपलोड कर देता हूँ जाते जाते। ठीक। तो गाइस ये देखो जाने के लिए छेड़ रहा है, पता नहीं कहाँ आना है इसको, कहाँ आने पड़ा था ना बाहर नाला टंगी में लगा, तो मैंने कर दिया तो मतलब मैंने कर दिया तो नहीं जान दे। देख रहे हो कैसे छेड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैंने इसको इतना मना कर दिया। रुको ना, दो मिनट जान दे। हां मैं नहीं कहता, मैं जान दे, मैंने कर दिया ना, मना कर दिया तब भी। तू गलत ही सोच रही हो, तू तो मैं बता रहा हूं तो बट जाना नहीं चाहिए आज। गाइस देखो कैसे जाने के लिए वीडियो एडिट कर रहा था, मैं छेड़ रहा है फालतू में जाने के लिए, मैं जाने थोड़ी हूँ, तो देखना अभी तक यहीं खड़ा खड़ा सुनना। देखो यहाँ पर शेडो आ रही है ना, देखो जा रही है। तो मम्मी का अरमानी का तो बताया ना, बताया ना, बताया ना, मैंने कहा देना, मैंने मन कर वीडियो पे, हाँ वीडियो बंद तो क्या करना है, मैंने कहा देना, मैं तुझे कभी बंद कर, मैंने कहा देना, मैंने जान तो नहीं आना, फिर तू निकल जा रहा, निकल जाना, मैं तो मन का देने तुझे तो जानने में तो रोज जाते जीवन में एक बार कभी आज कर नहीं आओ जिंदगी कोई ये साल की कबाई बात ही नहीं है, क्या जीवन की बात हो रही है ना, नहीं जीवन 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 में एक बात तो जा रहा है, जो बोलो तू जाएगा नहीं दोबारा, तो मन का देने तुझे, मैंने देने, मैंने कहा छोड़ रहा हूँ। तो गाइस देखो कैसे लगा हुआ जाने के लिए, मैंने कहा देने तो से, मैंने जान दे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कहाँ जाने तो तू जाए ना, देना देख पानी मेरे पास, जाने निकल जाएंगे सब जाने, मैंने कहा दिए ललित, मैंने मना कर दिया, क्यों नहीं आ रहा, ठीक है मैंने मना कर दिया, तो उसे देख रहा हूँ उसको मना कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी जा रहे हैं, कितना इसको मना कर रहा हूँ मैं, कितना कितना ज्यादा, ये बात नहीं रहा, देखो नहीं कोई जरूरत नहीं, ललित मैंने कहा दे दो ना, चल चाबी दे, कौन नहीं आ रहा, चाबी दे, चल मैंने कहा देना, तो कह को जा रहा, मैंने कहा देना, पूछ के तो जा रहा हूँ, मैंने मना कर दिया, तू जा, हाँ तू जा। गाइस लाइट दोबारा जा चुकी है, और मेरा भी दुकान जाने का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, मतलब जा ही रहा हूँ, और ले भी चला गया है, काफी ज्यादा चैट है, इतना ज्यादा चैट है कि मुझे क्या करूँ, चैट रहा था मतलब बहुत ज्यादा, तो वो चला गया।
और मम्मी ने तो मना कर दिया, मम्मी तुमने कहा नहीं रोको जाता, मैं तो अति ही नहीं जाने कब ने कर रहा होगा, बहुत ज्यादा चेट रहा था तो फिर वो चला गया, मैंने बहुत चेट रहा था तो इससे मैंने ये भाई तू चेटे मत, तो अभी मैं निकलता हूँ, मौसम भी सही है, धूप वगैरह भी नहीं है, अभी दुकान के लिए लेट हो जाऊंगा नहीं तो अपन निकल लेते हैं अभी, ठीक है तो पहले चले जाऊंगा मैं तो, कोई दिक्कत नहीं पैदल ही चले जाएंगे, है ना, मास्क आए मैं तो चलते हैं, अभी मौसम भी सही है, धूप भी नहीं है, वरना फिर पसीना आ जाता है मतलब। अभी आ चुका हूँ बेसिकली मैं दुकान पर, ऐसे आप देख सकते हो, और भाभी लेके आई है एक पास्ता, क्या नाम बताओ इसका, अल्फ्रेडो चीज पास्ता, और राजकुमार खा रहा है हमारा डिनर, चिकन डिनर, लंच क्या है, ककोरे बन करेला, करेले हैं ककोरे बन करेला, बन करेला है, ओके कल ककोरे लाई थी ना ऐसे, तू खाएगा निकाल ले चम्मच, पता नहीं क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, नहीं आ रहा है तो खाना अलग। सो गाइस अभी मैं आता जा रहा हूँ सर के यहाँ से, आप पेशन वगैरह डील किए वहाँ पर, कोई मैं अच्छा थोड़ा वगैरह अच्छा शेयर नहीं कर पाया उसके लिए, आई एम रियली सॉरी। सो अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, फिलहाल तो मैं आया था जरा हल्का ओनर हूँ, तो अभी दुकान पे जा रहा हूँ और देखते हैं क्या है खाने पीने की व्यवस्था, पास्ता खाया, पास्ता मैं सोचा था इतने मज़े नहीं आए मेरे को, ठंडा हो गया था एक तो, अब फर्स्ट टाइम खाया इतना ज़्यादा मेरे को उसमें पता नहीं मज़े नहीं आए, मतलब टेस्ट नहीं आए जो भी समझ लो, तो अभी जाके देखते हैं खाने में सब्जी बेसिकली जो पेट भरने लायक चीज़ क्या है, ठीक है तो अभी पहुँचता हूँ मैं, निकलता हूँ पहले तो मैं साथ में दो दो जरा। गाइस खाने में है दाल मखनी, पता नहीं कौन सी दाल मखनी है, रोटी है और ये अपन है, अभी अपन थोड़ी सी चाय भी बनाएगा, चाय भी पिएगा, ठीक है तो अभी पहले खाना वाना खा लेते हैं अपन, ठीक है और राजकुमार भी गया हुआ आपके साथ चाय में बनाया वो, तो आ जाने देते हैं उसको, तब तक खाना वाना खा लेते हैं क्योंकि भूख तो लगी रही है। बस अभी बन रही चाय हमारी, ठीक है राजकुमार रखने के लिए डाल दी, भाभी की निकाल कर रखी थी, अब बेचारा देखो फोन पर लगा हुआ है, ओ माय गॉड, दिन भर इसी में लगी रहे ना, कुछ काम धाम तो है नहीं है, नहीं चलाऊंगा मैं। सो गाइस हमारे पास ट्रैफिक लग गया से काफ़ी सारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चाय पी लो ना, हाँ तो ठीक है, देखो कितना सारा ट्रैफिक लग गया गाइस, ये देखो मैं आपको पूरा ट्रैफिक देखूँगा यहाँ से वहाँ तक, देखो पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक है, अरे इन्होंने फिर फूले चालू कर लिया, इसको फिर बंद करना पड़ेगा, अरे यार तो चाय क्या हुआ बन गई, निकाल ले बिस्किट लाया था तू, तो आ जाए बिस्किट भी लिया था, सुलेगा नहीं है कल, भाई साहब ने मंगाया था कुछ है रखा है, चलो भाई साहब का बिस्किट ले लेंगे इस्तेमाल में क्या दिक्कत है, ला ला उसमें कुछ नहीं है भाई, दो बिस्किट पड़े चल ठीक है मेरा काम चल जाएगा। तो गाइस सिरे भाई साहब का बिस्किट, भाई साहब का ग्लूटेन फ्री है क्या, ये जीरो ट्रांस फैट, ठीक है अरे भोजरी मुझे क्या पता बनना, ये नहीं मानी तुम बना ही नहीं रहा, चिल्ला क्यों रहे मेरे पे, तेरी क्या है और तू तो और तू का तीन चार तरह ऐसी चाय बनाऊंगा, चाय बनाऊंगा बंद करते नहीं नहीं ऐसा नहीं राज, तो भाई चाय पी रहे हैं कैसी बनती है, बनी तो मस्त है राजकुमार बनाता है, राजकुमार के हाथों के अलावा किसी चाय नहीं पी रहा है, पसंद ही नहीं है, कभी कभार तो भाई साहब ही मना कर देते तो मैं क्या कहते हैं भाई साहब 50% तो मैं उठे ही गाँव उनके दिल से, अच्छा तो ठीक है चीनी नहीं बना ले पूडल बना लेगा, चल ठीक है तू जान मुझे बनाता है ऐसा ही होगा, जाने का टाइम ऑलमोस्ट देखो 9:45 हो गए हैं, तो अभी निकलते हैं दुकान के वो घर के लिए, टाइम हो चुका है ऑलरेडी, और भाई कल का ब्लॉग पता है आज अभी तक नहीं डल पाया, पता है ऐड करके नोवा आज ही डालना पड़ेगा, आगे से मैं इस चीज़ का याद रखूँगा कि ब्लॉग बनाकर जो भी बनता है ना घर पे ऐड करके आज डाल दिया करो, क्योंकि यहाँ आते हैं तो नहीं हो पाता, शेड्यूल ख़राब हो जाता है, ठीक है अभी दुकान के लिए घर के लिए रेडी हो जाते हैं, और जब अपन चलते हैं ये पार्सल आते हैं क्या उसको भी देखते, ठीक है चलो निकलते हैं। भाई सभी आ चुका हूँ बेसिकली घर पर, और बेचारा देखो ललित कितनी मेहनत कर रहा है, इसके 12th के एग्जाम है, रील्स में देखो कितनी मेहनत कर रहा है, कॉपियाँ सामने रखी है लेकिन पढ़ने में इसका जरा ही मन नहीं है, और साइकिल नहीं मिलेगी इसको, बहुत चढ़ रहा था और बेचारी अंकिता ही परेशान है, हाँ अंकिता बता क्या दिक्कत है, बेचारी अंकिता की गाड़ियाँ नहीं आ रही, बड़ी दुखी है, प्लीज तो अंकिता ने गाड़ी ले ली तो बुलेट और पता वहाँ किधर पिया की लाई है, बोला 20,000 रुपये दे मैंने पैसा और पूरी वहाँ पे लगी किस तन पर आगे बोल लो, इसी का सान जा रही थी
गाइस लोग कुछ लोगों की पता सच में सान जाती है, बताओ 2 लाख की गाड़ी 20,000 रुपए ये भाई देख 20,000 रुपये को ढेर है। तो अंकिता बताइए क्योंकि अंकिता शोरूम से काम करती है, सर्विसिंग करती है, उसको जानकारी नहीं है। तो उसने केवल 20,000 रुपये का पे किया था और 2 लाख की क्लासिक 350 की क्या था, तो 2.5-3 लाख की गाड़ी बताओ 20,000 रुपये में। अरे ई एम आई पे है ना, कितने की पड़ जाता करो, इसको कुछ पता नहीं है, बस जो ही चली जाती। तो ललित देखो सामने रजिस्टर रखा है, इसी में से टिप टिप के लेकर आया ये काम देख ले। तो मम्मी से पूछे मम्मी क्या बनाएंगे, मम्मी सारी मेहनत करके आई है मम्मी। तो गाइस आप लोगों ने देखा हमेशा मम्मी मेरी लेटी रहती है, हमेशा सोती रहती है, पता नहीं क्या मेहनत करती है इनसे पूछते हैं। तो मम्मी कौन सी मेहनत करके आई है तुम्हें, मेरे पेट दर्द हो रहा है, तुम्हारा रोज कछु ना कछु दुखते रहते हैं। मैंने बना ली मुराई भाजी, वो मुराई भाजी नहीं खानी चाहिए पता है, कौन सी मानसी। तो बेचारी अंकिता की सहेली को शादी का कोई ना गिफ्ट दिया अंकिता ने, पापा उसके पैसे खा गए गिफ्ट के। तो मम्मी ने आज सफाई कर दी हमारे घर की, देखो कितनी सामने सफाई की है, कहे पूरे दिन नहीं में लगा होगा, मम्मी पूरे दिन सफाई में लगा होगा घर का कह रही है। तो देखो कितनी सफाई पड़ी रहती है, हर अलमारी देखो ऐसी बिल्कुल पूरी सफाई है, ये सफाई देखो यार कहीं देखी ऐसी सफाई, आज पूरा दिन मम्मी ने इसी को साफ करने में लगाया। तो अभी देखते हैं खाने वाने खाने में मूरा बनाया में। सो गाइस मम्मी ने बनाया खाने में भाजी और रोटी, और लाइ देखो दूध लेके आता जा रहा है, मैंने दूध दे रख दिया, बिस्कुट रख दिए। तो मम्मी अभी चाय बनाएंगी, बेचारी मम्मी अभी ढोला बजा रही हैं, अभी मम्मी देखो ढोला बजा रही हैं, कितने बड़े तरीके ढोला बजा रही हैं। और अंकिता पता नहीं क्या देख रही है, क्या देख रही है अंकिता, कौन तुम। तो गाइस अभी खाना खा लेते हैं ठीक है, उसके बाद खाना पीने वाले। गाइस हमारी अंकिता रो रही है, पता नहीं क्या हो गया उसको, पूरे तला रही है। सो गाइस आज का व्लॉग यही करते हैं, किचन का लोला आज पहले में खत्म, किचन का लोला सब परेशान है, मैं भी सबसे ज़्यादा परेशान हूँ लोगों से, लिटरली सर्दी अलग हो रही है, देखो कितने मतलब डिब्बा किचन का डिब्बा भी नहीं रखा जाता क्या वो शहर का।